हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स, कैसे हैं बच्चों आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत प्रसन्न होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे, बड़ों का कहना मानते होंगे, आदर करते होंगे और बहुत सारी पढ़ाई भी करते होंगे। तो स्वागत है आपका तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तक बाई अमित पब्लिकेशन से। आज हम पाठ कराने जा रहे हैं पाठ 5, जिसका शीर्षक है चिट्ठी पत्री। जी हाँ, इस पाठ का नाम है चिट्ठी पत्री। ये देखिए कितनी सारी ये देखिए, ये है पेन है, एनवेलप है, आगरा का ताजमहल बना हुआ है। तो आप समझ ही होंगे, समझ गए होंगे कि पत्र लिखने के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ती है। जब हमें पत्र लिखना होता है, जिसको इंग्लिश में लेटर बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं चिट्ठी, तो आपने किसी को पत्र लिखा तो हमें क्या क्या आवश्यक चाहिए होता है। पेन चाहिए होता है, पेपर चाहिए होता है, और जिसमें हम डालते हैं वो भी। एंड जैसे अगर हमने लिफाफे में चिट्ठी डालनी है तो कागज पर लिखे हम लिफाफे में डालते हैं ना, तो ये सारी चीजें हमें हमारी आवश्यक चीजें हैं। अच्छा बच्चों, आपने किसी को कभी पत्र लिखा है? अच्छा नहीं लिखा तो आप भी जरूर प्रयत्न कीजिएगा। पाठ प्रवेश। टाइम टेबल बच्चों को अनुशासन और नियमितता सिखाता है और उनकी दिनचर्या को व्यवस्थित करने में मदद करता है। एक सही टाइम टेबल विद्यार्थियों की को पढ़ाई, विकास कार्यक्रम, खेलकूद और सामाजिक गतिविधियों के लिए समय निर्धारित करता है। सामान्य रूप से टाइम टेबल बच्चों के व्यक्तित्व का विकास करता है और उन्हें एक समृद्ध जीवन व्यतीत करने में मदद करता है। तो बच्चों, आज का जो हमारा पाठ है वो कुछ ऐसा ही है। किस पे आधारित है? टाइम टेबल। ये जो एक मैं आज आपको पाठ कराने जा रही हूं, इसमें आप सीखेंगे कि हमारे लिए टाइम टेबल कितना अधिक आवश्यक होता है और उसको बहुत ही ध्यान से लिखना चाहिए या पढ़ना चाहिए या नोट डाउन करना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। विहान कॉलोनी, आगरा, प्यारे दादो, अर्धवार्षिक परीक्षा थी। यानी कि अर्धवार्षिक क्या होता है? हाफ ईयरली जो होते हैं ना, उसको हम हिंदी में बोलते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा। अर्धवार्षिक परीक्षा थी सिर पर और सारे दोस्त पढ़ाई में जुटे थे। मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। तभी ये किसको चिट्ठी लग रही है? प्यारे दादो को। तभी परीक्षा का टाइम टेबल आ गया। स्कूल में टाइम टेबल नोट करना भूल गई। मैं स्कूल में टाइम टेबल नोट करना ही भूल गई, मतलब टाइम टेबल आ गया था लेकिन मैं स्कूल में टाइम टेबल नोट करना भूल गई और मैंने अपनी सहेली मानसी की कॉपी से टाइम टेबल नोट किया। इस तरह मैंने खूब अच्छे से पढ़ाई करी। पहला पर्चा हिंदी का था जो अच्छा गया और उससे मेरे आत्मविश्वास में थोड़ी बढ़ोतरी हुई। आत्मविश्वास मतलब मेरे अंदर बहुत, इंग्लिश में बोलते हैं ना कॉन्फिडेंस, तो मेरे अंदर आत्मविश्वास और भर गया, बढ़ गया। हमारे स्कूल में अर्धवार्षिक परीक्षा में जो अच्छे नंबर लेके आते हैं उन्हें कक्षा में सबके सामने टीचर की तरफ से शाबाशी मिलती थी और इसी कारण मैं चाहती थी कि मैं सबसे ज्यादा नंबर लाऊं। दूसरा पर्चा, दूसरा पेपर किस चीज का था? दूसरा पर्चा अंग्रेजी का हुआ और उसके बाद रविवार को छुट्टी हो गई। अगला पर्चा टाइम टेबल के मुताबिक मंगलवार को होना था, यानी कि पहला पर्चा जो था वो हो गया, उसके बाद छुट्टी हो गई और सोमवार की बजाय कब था अगला पर्चा? मंगलवार को। किसके हिसाब से? टाइम टेबल के हिसाब से। और मैंने सोचा अब तो 2 दिन की छुट्टी है, यानी कि इतवार की और सोमवार की, तो मैंने सोचा अब 2 दिन की छुट्टी है तो आराम से तैयारी की जा सकती है। रविवार देर रात तक मैंने पढ़ाई की और सोमवार को जब मैं 8 बजे तक सो रही थी तभी फोन की घंटी बजी, क्योंकि उसने सोचा सोमवार की छुट्टी है तो 8 बजे तक सोती रही। लेकिन अचानक फोन की घंटी बजी, मम्मी ने फोन पर कुछ सुना और मुझे चिल्लाते हुए कहा। क्या कहा? स्नेहा, आज विज्ञान का पेपर है। देखा आपने, उसे पता ही नहीं था स्नेहा को कि आज पेपर है, वो तो सो रही थी। आज विज्ञान का पेपर है और तू गई नहीं। यह सुनकर मैं बिस्तर पर से खड़ी हो गई और पूछा, क्या कह रही हो? मैंने तुरंत अपनी सहेली मानसी के यहाँ फोन किया तो पता चला कि वो परीक्षा देने गई है। मैंने जल्दी से मुंह धोया और चाय तक पिए बिना स्कूल पहुंची।
आधा घंटा लेट होने के बावजूद मैं परीक्षा में तो बैठ गई और पर्चा हो गया। बाद में पता चला कि थोड़ी सी जल्दबाजी में मैंने गलत टाइम टेबल नोट कर लिया था। तब से टाइम टेबल को लेकर मैं ज्यादा ही सतर्क रहती हूँ। नेहा पानीपत। तो बच्चों आपने समझा कि हमें किसी भी चीज को अगर हमें नोट डाउन करना है या कुछ सुनना है या कुछ समझना है तो बहुत सतर्कता से करना चाहिए। अभी आपने इस पार्ट पे क्या समझा? आपने समझा ना कि स्नेहा ने जल्दबाजी में अपनी सहेली का की कॉपी से टाइम टेबल नोट किया, लेकिन वो इतनी जल्दबाजी में थी कि उसने ठीक से नोट नहीं किया और उसका विज्ञान का पर्चा छूटते छूटते बच गया। उसने गलत नोट किया था, उसे पता ही नहीं था कि मंगलवार को भी सोमवार को भी उसका पेपर है। तो हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस पाठ से बच्चों यही शिक्षा मिलती है कि हमें हर काम हर चीज जो भी लिखना है सुनना है बहुत ही ध्यान पूर्वक बहुत ही सतर्कता से करना चाहिए। और अब हम आ रहे हैं कठिन शब्द, परीक्षा, अंग्रेजी, तैयारी, छुट्टी, आत्मविश्वास, जल्दबाजी, बढ़ोतरी, टाइम, शाबाशी और चिल्लाना। और इसके बाद हम क्या करेंगे? हम करेंगे कठिन शब्दों के बाद शब्दार्थ, यानी शब्दों के अर्थ, अर्धवार्षिक का अर्थ है छमाही जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हाफ ईयरली, टाइम यानी समय, पर्चा का अर्थ है पेपर, नंबर का अर्थ है अंक और स्कूल का अर्थ है विद्यालय। और अब हम देखे हैं हमसे क्या पूछा है। सबसे पहले पूछा है पत्र में किस टाइम टेबल की बात की गई है। पत्र में बच्चों अर्धवार्षिक परीक्षा के बारे में बात की है। हमें टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई क्यों करनी चाहिए? बिल्कुल हमें टाइम टेबल के हिसाब से ही पढ़ाई करनी चाहिए। किस अगले दिन हमारा कौन सा पेपर है हमें उस हिसाब से हमें पता चलेगा, या बीच में कितनी छुट्टियां हैं उसके बाद कौन सा पेपर है, तो टाइम टेबल से ही हमें पता चलेगा कि हमें किस परीक्षा की किस विषय की कब तैयारी करनी चाहिए। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ आप भी जब भी अपनी परीक्षा की तैयारी करते होंगे तो टाइम टेबल के हिसाब से ही करते होंगे। स्नेहा क्या भूल गई? स्नेहा जो थी वो सोमवार को कौन सा पर्चा होगा वो भूल ही गई, क्योंकि उसने उतारा ही नहीं था, वो टाइम टेबल नोट करना भूल गई थी। अब हमें क्या करना है? सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। तो सब दोस्त जुटे हुए थे पढ़ाई में, लड़ाई में, सैर सपाटे में या खेल में, सब दोस्त जुटे हुए थे पढ़ाई में। स्नेहा के मुताबिक किस स्नेहा ने किसके मुताबिक पढ़ाई की? टाइम टाइम के टाइम टाइम के टाइम टेबल के या टेबल टेनिस के? स्नेहा ने टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई करी। स्नेहा परीक्षा में कितने घंटे देरी से पहुंची? 1 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा या आधा घंटा? स्नेहा परीक्षा में आधा घंटा देर से पहुंची। और अब है हमारा सही मिलान करो। तो इसमें हम सबसे पहले कर रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा। पहला पर्चा हमारा हो गया था अंग्रेजी का, दूसरा पर्चा हमारा हो गया हिंदी का, टाइम टेबल नोट करना भूल गई थी और मानसी की कॉपी से नोट करा। तो ये हमने किया, ये था हमारा सही मिलान। जी हाँ, अब हम चल रहे हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। सबसे पहले है अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक परीक्षा सिर पर थी। स्नेहा स्कूल में क्या भूल गई थी बच्चों? स्नेहा स्कूल में टाइम टेबल नोट करना भूल गई। दूसरा पर्चा किसका था? दूसरा पर्चा अंग्रेजी का था। अगला पर्चा टाइम टेबल के मुताबिक, अगला पर्चा टाइम टेबल के मुताबिक मंगलवार को होना था। मैंने तुरंत अपनी सहेली मानसी के यहाँ क्या किया? फोन किया। तो हमने क्या किया? हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति करी है। और अब हम देखते हैं हमें अगला कौन सा कार्य करना है। अगला है प्रश्नों के उत्तर दो। कौन सी परीक्षा चल रही थी बच्चों? अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही थी। स्नेहा ने क्या किया? स्नेहा ने क्या किया था? स्नेहा ने अपनी सहेली क्या से मानसी से टाइम टेबल नोट किया था। शाबाशी किसे दी जाती है? जिसके अर्धवार्षिक परीक्षा में सबसे ज्यादा नंबर आते हैं उनको, उनकी जो अध्यापिका थी उन्हें फिर कक्षा में उसकी शाबाशी मिलती थी। स्नेहा का सोमवार को पर्चा था, ये कैसे पता चला? ये ऐसे पता चला,
स्नेहा की माँ, उनके घर पे किसी का फोन आया, तब स्नेहा की माँ ने जब फोन उठाया तब उन्हें पता चला कि सोमवार को है विज्ञान का पर्चा था। स्नेहा परीक्षा में कैसे और कब पहुंची? स्नेहा परीक्षा में आधा घंटा लेट, मुंह धो के बिना चाय पिए ही परीक्षा में पहुंची थी। बच्चों, इसके साथ हमारा ये वाला पार्ट यही समाप्त होता है और मैं आशा करती हूँ इस पार्ट से आपने बहुत कुछ शिक्षा ली होगी। सबसे मेन चीज आपने क्या सीखी होगी कि मैं हर चीज बहुत ही सतर्कता से, बहुत ही ध्यान पूर्वक देखनी चाहिए अगर कुछ लिखने का काम है, कुछ समझने का, नहीं तो हमारे से कुछ नुकसान भी हो सकता है। आशा करती हूँ फिर से बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए आभार।